हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के जो बड़े ट्रिगर कौन कौन से रहने वाले हैं, और साथ में 1 जुलाई से काफ़ी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। बाकी तो बहुत सारे हैं इन जनरल जो यहाँ पे सोसाइटी के लिए, पीपल्स के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े यहाँ पे चेंजेस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो आपको देखना है, चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है, साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से चेंजेज होने वाले हैं 1 जुलाई से, साथ में मार्केट के लिहाज से कौन से बड़े ट्रिगर हैं वो सामने आने वाले हैं, तो वन बाई वन उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं वो है जियो, जो रिलायंस जियो है उसने, एयरटेल है भारतीय एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ने यहाँ पे अपने जो टैरिफ प्लान थे उनके अंदर है जो यहाँ पे हाइक कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि जियो के जो प्लान थे, ठीक है, 666 का जो प्लान था वो यहाँ पे 799 का हो गया है, तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि 133 रुपीज का क्या कर दिया है इन्होंने, प्लान के अंदर जो हाइक है वो कर दिया है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जियो के अंदर ऑलमोस्ट 25% की जो टैरिफ हाइक है वो हुई है, और ये सभी प्लान्स आप देख सकते हो। तो ये रिलायंस जियो के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि और कोई यहाँ पे प्लेयर है ही नहीं, ये तीन ही प्लेयर है जो मेन है, और ये इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे इनकी एक तरीके से इनकी खुद की मोनोपोली है और हमें यूज करना ही करना है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो एयरटेल है उसके प्लान कौन से हैं और वो कौन से चेंजेस हुए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 23% के करीबन यहाँ पे जो हाइक है वो हुआ है प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे सभी प्लान्स आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हो। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के प्लान्स की बात करें, तो वोडाफोन आइडिया के ये जो प्लान है ये अभी के प्लान्स हैं और ये न्यू वाले प्लान है, तो 269 को 299 कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो प्लान था 719 का, उसको 859 का कर दिया है। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि एयरटेल एंड वोडाफोन के जो प्लान है वो सेम है, जियो के अभी भी थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि जियो और भारतीय एयरटेल इनको तो एकदम बम्पर जो प्रॉफिट है वो होने वाला है, इस चीज से इनके शेयर्स के अंदर भी यहाँ पे आने वाला है इम्पैक्ट, ठीक है, और ये आ भी चुका है, ठीक है, काफी ज्यादा आ भी चुका है, मार्केट को पहले से पता था कि ये होने वाला है। हाँ, जो वोडाफोन आइडिया है उसने भी हाइक किया है, हालांकि यहाँ पे सब्सक्राइबर है बेस है वो थोड़ा सा घट रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपेरेटिवली जो रिलायंस जियो है वो सस्ता है, तो इसका इसको थोड़ा सा लॉस है वो होता है, तो देखना होगा कि अब किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा। हालांकि यहाँ पे तीनों के अगर अंदर बात होती है तो ये तीनों के लिए अच्छी चीज होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड सबसे बड़ी न्यूज है, वो सेकेंड वाली न्यूज है कि जो सेबी है उसने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कुछ नियम्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, काफी उनको राहत दी गई है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है वो 1 सितंबर से लागू होने वाले हैं, और पहले जो बेसिक सर्विसेज का डीमैट अकाउंट होता था उसकी आप देख सकते हो कि 2 लाख लिमिट है वो सेट की गई थी, और ये 2012 के अंदर की गई थी, तो 2012 में ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए तक का अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जो भी है तो उसको बेसिक सर्विसेज के अंदर माना गया है, और यहाँ पे अब उस 2 लाख को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है, तो 10 लाख रुपए तक का अभी जो डीमैट अकाउंट होगा उसको भी बेसिक सर्विसेज के अंदर ही माना जाएगा। 4 लाख तक की जो निवेश की रकम है इस पर कोई भी डीमैट चार्जेज है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन 4 लाख से 10 लाख के बीच में अगर अमाउंट है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। आप देख सकते हो कि ये 2012 में था, और अभी जो लिमिट है वो बेसिक डीमैट अकाउंट की 1 लाख तक की सिक्योरिटीज पर होने चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे 4 लाख तक रुपए तक की जो सिक्योरिटीज होंगी तब चार्ज नहीं लगेगा, तो ये एक काफी चीज है जो अच्छी होने वाली है।
और ये यहाँ पे जो निवेशक हैं उनके हित के अंदर भी है। तो ये एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो निकल करके आ रही है, तो इसको आपको जानना है। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो आप देखिएगा कि जो 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई से ये एस्टिमेट करके चल रहा है मार्केट कि जो टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स वो यहाँ पे 2% तक अपनी जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके अंदर यहाँ पे जो रेट है वो हाइक करने वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेट हाइक होने वाला है। हीरो मोटो की बात करें तो ये भी यहाँ पे अपना जो है 2 व्हीलर के ऊपर जो रेट हाइक है वो करने वाला है, लगभग 1500 रुपये पर 2 व्हीलर के हिसाब से। तो ये भी यहाँ पे रेट हाइक करने वाले हैं, तो यहाँ पे इनके लिए एक अच्छी चीज़ होने वाली है। तो ये भी आपको सामने जो न्यूज़ है वो होने वाले हैं, और 1 जुलाई से ये जो नियम है वो लागू होने वाले हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि जो पेट्रोल है और डीजल है उसको जीएसटी के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, और अगर ये जीएसटी में आते हैं तो लगभग 20 रुपये का यहाँ पे इन दोनों के अंदर गिरावट होने वाली है। यानी कि अगर 100 रुपये के करीबन पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से अभी पेट्रोल मिल रहा है, तो वो जीएसटी में आ गया तो लगभग 80 रुपये की करीबन यहाँ पे पर लीटर के हिसाब से आने वाला है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा अभी उसके पास जा रहा है टैक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर भी जीएसटी के अंदर आता है, और ये लेके ही आएंगे, और इसकी बात हो रही है कब कि जो यहाँ पे बजट आएगा, ठीक है, बजट जो यहाँ पे है अगर उसकी बात करें तो बजट जो आएगा 2024 का उसके अंदर इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये एक काफी बड़ी न्यूज है, और जो यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए भी एक बड़ी जो है न्यूज है ये भाई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो मैक्रो डेटा की बात कर लेते हैं। तो यूएस का और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो आने वाला है, और साथ में फेडरल चेयरमैन की स्पीच भी इस वीक के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो ये तो बड़े इवेंट है, ठीक है, और सभी जो इवेंट हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, ये यूनाइटेड स्टेट के सभी पूरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे तक के इवेंट हो गए। इसी के साथ में जापान चाइना यूके ये सभी के इवेंट्स हैं यहाँ पे लगा दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर है वो यहाँ पे है 1 जुलाई को ही यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं। जून के अंदर किस प्रकार की बिक्री है वो रही है, ठीक है, तो इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स हो गया, और यहाँ पे टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो, ठीक है, आइसर मोटर, तो सभी ऑटो सेगमेंट की कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा किस प्रकार की उनके अंदर ग्रोथ आने वाली है। और ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ पे इतने दिनों से काफी डाउन था, अब मानसून इस प्रकार के इस टाइम पे अच्छा बताया जा रहा है, तो ट्रैक्टर सेल्स के अंदर हाइक होता है या नहीं होता, अगर होता है तो M&M और एस्कॉर्ट्स इन दोनों को फोकस करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 7th नंबर की न्यूज। इसके साथ में आप देखोगे कि बजट जो यहाँ पे बजट स्पेक्यूलेशंस है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर प्ले होगा, और जब तक बजट नहीं आएगा तो मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो बजट के अंदर कुछ एस्टिमेट लगाएंगे, न्यूज आएंगी तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा, और साथ में अपनी पोजिशंस को भी उस अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इसी के साथ में इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही मैंने जो सोलर सिस्टम वाली चीजें हैं वो बता दी। इसी के साथ में आप देख सकते हो कि जो हाउसिंग डेवलपमेंट है या पीएम आवास योजना है उसके तहत जितने भी यहाँ पे रियल स्टेट है, ठीक है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी न्यूज है वो निकल के भी आती है, तो उनके भी आपको ध्यान में रखना है। बजट से रिलेटेड यहाँ पे काम होने वाले हैं, पोजीशंस हैं वो मैनेज की जाएंगी, तो ये हो गया। इसी के साथ में मानसून है उसका यहाँ पे आप देखोगे कि मानसून लगभग कई जगह पे यहाँ पे लगभग सब जगह पे पहुंच चुका है, बहुत कम जगह है जहाँ पे नहीं पहुंचा है, और मार्केट नहीं, सॉरी, IMDB है, IMD, ठीक है, ये यहाँ पे मान के चल रहा था कि लगभग 106% के करीबन है वो यहाँ पे बारिश होने वाली है इस बार, और अभी भी हम बात करें तो थोड़ा सा डेफिशिट के अंदर चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि कंप्लीट तरीके से जुलाई के अंदर यहाँ पे बारिश है वो लगभग सभी जगह होती है, तो देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की बारिश होती है और यहाँ पे किस प्रकार का मानसून रहता है।
अगर अच्छा रहता है तो एग्री से रिलेटेड जो भी कंपनी है ठीक है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो एग्री के अंदर फर्टिलाइजर भी हो गया और एग्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं ठीक है, वो हो गया, ट्रैक्टर वाली कंपनियां हो गई, तो इनको आपको ध्यान रखिएगा ठीक है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड है और ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर ये एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि छोटी गाड़ी ठीक है, जो स्मॉल व्हीकल है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो स्मॉल व्हीकल्स के अंदर आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंपनी बनाती है, और साथ में टू व्हीलर ठीक है, टू व्हीलर के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ऑटो जो है, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, इसके ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा ठीक है। तो यहां पे ये एक न्यूज निकल करके आ रही है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस है वो नेक्स्ट वीक कौन से रहने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शंस की हम बात कर लेते हैं, यहां पे सभी कंपनीज के नेक्स्ट वीक के जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। उन कॉर्पोरेट एक्शंस का यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनकी एक्स डेट ये है, रिकॉर्ड डेट ये है, तो आप अपनी कंपनी का चेक कर सकते हो। इसके साथ में जो नेक्स्ट न्यूज है वो यहाँ पे जनरल न्यूज है कि यहाँ पे अब देखोगे तो 3 तारीख से स्पैम कॉल है वो अब नहीं करेंगे आपको परेशान। मोबाइल पर आपको आगे आने वाला जो फोन है, अननोन नंबर से कोई भी कॉल आएगा तो उसकी नाम और उसकी डिटेल है वो आपको शो करेगा ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो काफी अच्छी होने वाली है। और साथ में 1 जुलाई से ठीक है, 1 जुलाई से यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, 1 जुलाई ठीक है, इस 1 जुलाई से जो भारत के अंदर 2023 के अंदर ही यहाँ पे एक नई जो न्याय व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल पास कर दिया गया था, भारतीय न्याय संहिता बिल है, भारतीय साक्ष्य बिल है ठीक है, यानी कि जो आईपीसी के कोड्स थे वो चेंज कर दिए गए हैं और बहुत सारे नियम है वो चेंज कर दिए जाएंगे ठीक है। पहले पुलिस है वो फालतू के अंदर किसी के ऊपर केस कर देती थी, एफआईआर कर देती थी, उसको मार देती थी ठीक है, थप्पड़ मार देती थी, तो वो काम अब इस टाइम पे नहीं होंगे। अगर वो गलती करते हैं तो उनको खुद को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। और बहुत सारे जो नियम है ठीक है जो चेंज किए जाएंगे, आईपीसी बहुत उसके अंदर पुराने टाइप के जो रूल्स रेगुलेशन थे उनको चेंज कर दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। जाकर के आप देख सकते हो गूगल के ऊपर टाइप करके कि इनके अंदर कौन कौन से चेंजेस किया जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि 1 तारीख से लागू होगी और इसको आप खुद को रीड कर सकते हो ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये तो इन जनरल हो गई, और मार्केट के जो ट्रिगर हैं वो मैंने आपको बताई ही बताए हैं ठीक है। तो आपको मैंने सभी चीजें बताई हैं कि मार्केट किस प्रकार का रहने वाला है, वो हमने यहाँ पे वीकली एनालिसिस का वीडियो डाल दिया था उसके अंदर आप देखिएगा, और यहाँ पे मार्केट के नेक्स्ट वीक के ट्रिगर मैंने आपको बता दिए हैं, इस वीकेंड के ऊपर जो खबरें आई हैं वो बताई हैं, और 1 तारीख से क्या क्या चीजें हैं वो लागू होने वाली हैं, नई चेंजेस कौन से रहने वाले हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी